एक जंगल में बहुत ही सुंदर और प्यारी सी हिरनी रहती थी। वह स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। एक जगह ज्यादा दिन तक वह नहीं रहती थी और दूसरे हिरणों के साथ झुंड में रहना तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वह हिरनी नदी के किनारे आ पहुंची। समय से घूम रही हूँ, थक गई हूँ। थोड़ा पानी पीकर इस पेड़ के नीचे ही आराम कर लेती हूँ। यह बोलकर हिरनी नदी किनारे पानी पीने के लिए चली गई। जब हिरनी पानी पीने के लिए नदी में उतरी, तभी एक शिकारी ने उसे झाड़ी के पीछे से देख लिया और अपने तीर से हिरनी की ओर निशाना लगाने लगा। जैसे ही हिरनी ने शिकारी को दूर से देखा तो उसका पैर कांपने लगा। कैसे आ गया? अब मैं क्या करूं? तभी हिरनी ने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो उसने देखा कि एक बाघ उसी की ओर चला आ रहा है। और जैसे ही हिरनी की नजर वहां से हटी तो उसको थोड़ी गर्मी महसूस हुई। तो उसने पीछे देखा तो पीछे आग लगी हुई है। अब हिरनी चारों तरफ से घिरी हुई थी। फिर हिरनी ने सोचा कि क्यों ना पानी पिया जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तभी आकाश में बादल घूम उड़े और एकदम से बहुत जोरों की बारिश होने लगी। बारिश के कारण आग बुझ गई और शिकारी ने जो निशाना हिरनी की ओर साधा था वह गलती से बाघ को लग गया। अब बाघ ने हिरनी को छोड़ शिकारी पर झपटा मारा। फिर हिरनी ने बाघ की जगह देखा तो बाघ वहां से गायब था। जब शिकारी की जगह देखा तो शिकारी भी अपनी जगह से गायब था। तो हिरनी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और पानी पीकर वहां से चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी विपत्ति के समय अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान हमारी मदद के लिए ज़रूर किसी को भेजते हैं।